आज हमारे जिला राजनांदगांव में सभी राजस्व न्यायालय के साथ साथ हमारे जो तहसील न्यायालय हैं, बाहर के व्यवहार न्यायालय हैं, सभी लगभग 41 खंडपीठ बनाए गए हैं, जिसमें हमारे जो कोर्ट में जो पेंडिंग केसेस हैं लगभग 2700 से अधिक केसेस रखे जाएंगे। साथ ही प्री लिटिगेशन के साथ साथ राजस्व के जो प्रकरण हैं वो भी लगभग 33,000 के आसपास रखे जाएंगे। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैंक से रिलेटेड जो केस हैं प्री लिटिगेशन वो भी है, CSEB के केसेस हैं, और साथ ही साथ हमारे नगर निगम से रिलेटेड हैं, BSNL से रिलेटेड जो केस हैं वो भी रखे गए हैं। और हमारे जिला राजनांदगांव के जितने भी आमजन हैं सभी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और काफ़ी उत्साह है, और लोग अपने प्रकरण को लोक अदालत के माध्यम से निराकृत करने के लिए अपना उत्साह भी दिखा रहे हैं और एक एक्टिव पार्टिसिपेशन भी शो कर रहे हैं। और साथ ही हम आज हमारे जिला न्यायालय परिसर में नेत्र आई टेस्ट का भी किया जा रहा है, जो उत्तरांचल की ओर के सहयोग से हम यहाँ कर रहे हैं। साथ ही CMHO साहब के साथ स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से हम यहाँ पे हेल्थ क्लिनिक भी लगाए हुए हैं, जो पक्षकार जो अगर कुछ अपने हेल्थ से रिलेटेड कुछ चेक जो सामान्य जांच कराना चाहते हैं उस कराने की यहाँ सुविधा प्रदान की गई है। साथ ही हम हमारे PLV और बाकी सभी लोगों के विभाग के सहयोग से लोगों को हम प्रेरित कर रहे हैं कि आगे जो आम चुनाव होने हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर अपने लोकमत लोकदान अपना करें, योगदान दें, अपना वोट दें, और डेमोक्रेसी में एक सशक्त भूमिका निभाने के लिए हम उनको प्रेरित कर रहे हैं। और मैं आपके की ओर से भी आप मीडिया साथियों को भी मैं खुद धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि मीडिया के सहयोग से काफ़ी लोक अदालत का काफ़ी अच्छे तरीके से अवेयरनेस हुआ है, लोग और काफ़ी जागरूक हुए हैं अपने केस को लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण को जो कंप्लीट करा रहे हैं, निस्तारण हो रहा है, तो काफ़ी एक अच्छा एक हेल्दी एटमोसफियर में हो रहा है इसमें। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा लोक अदालत में ये भी है कि कोई भी पक्षकारों की हार नहीं होती, दोनों पक्षकार अपने अपने राजीनामा के आधार पर प्रकरण निराकृत कराते हैं, तो इसमें दोनों पक्षकारों की जीत होती है। तो ये काफ़ी एक अच्छा एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है लोक अदालत, तो इसलिए मैं आपकी ओर से सभी लोगों से आमजन से अपील करता हूँ, अगर किसी का केस न्यायालय में लंबित है और वो अपना प्रकरण निराकृत कराना चाहते हैं तो वो संबंधित न्यायालय में या प्राधिकरण में उपस्थित होकर अपना केस निराकरण करा सकते हैं।